नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। अमृतसर पुलिस ने आईसीआई बैंक में हुई लूट के मामले में 3 युवकों को किया गिरफ्तार। फिरोजपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक नशा तस्कर को किया काबू। 4 किलो अफीम की बरामद। अमृतसर के थाना मोहकमपुरा की पुलिस ने लूटपाट करने वाले 2 आरोपियों को किया काबू। 1,30,000 रुपयों की नकदी की बरामद। और अब हलचल विस्तार से। अमृतसर पुलिस को गत दिनों आईसीआई बैंक में हुई लूट के मामले में एक बड़ी सफलता हासिल हुई। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार कर उनके पास से 2 पिस्तौल और लूट के 7,70,000 रुपए बरामद किए। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने कहा कि लूट से पहले आरोपियों द्वारा रिक्की की गई थी और दिन दिहाड़े इस लूट की घटना को अंजाम दिया गया। उन्होंने कहा कि 6 अप्रैल को दोपहर के समय लुटेरों द्वारा इस लूट की घटना को पिस्तौल की नोक पर अंजाम दिया गया। गौरतलब रहे कि बैंक में डकैती के बाद आरोपी पैदल भागे थे और जांच में आरोपियों को 24 घंटे में गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने बताया कि आरोपियों की उम्र करीब 25 से 32 वर्ष के बीच में है और आरोपियों की पहचान इंद्रजीत सिंह प्रिंस और सूरज के रूप में हुई है। तो वहीं उन्होंने कहा कि आरोपियों ने लूट के बाद की भी प्लानिंग बनाई हुई थी कि जरूरत का सामान जैसे कि कार बाइक खरीदनी थी। लूट के बाद आरोपियों ने कुछ खरीदारी भी की। उन्होंने कहा कि कुल लूट 12,78,000 की हुई और पुलिस ने आरोपियों से 7,70,000 रुपए बरामद किए। वहीं उन्होंने कहा कि आरोपियों पर पहले भी कई मामले दर्ज हैं। उन्होंने कहा कि टीम ने दिन रात जांच कर आरोपियों को 24 घंटे में गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 1 पिस्तौल और 1 नकली पिस्तौल भी बरामद की गई। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। सारे सीनियर अफसर असी मौके पर पहुंचे और क्लूज इकट्ठे किए। उतों उस बेसिकल आई कि 3 नौजवान ने और भजे भी पैदल हो जिहड़े उत्थों बैंक रॉबरी करके। तो उस फॉलोअप दे विच केस नूं बड़े फास्ट तरीके नाल पहला आइडेंटिफाई किए असी मुलजम और 24 घंटे दे विच विच सारे गिरफ्तारियां हुई हैं। सो बेसिकली जो मुढ़ली पुछगिछ तो पता लग्या कि 3 बंदियां ने सलाह की और 3-4 दिन तो ये इस ताक दे विच सी। प्रिंस ने जड़ा ये वैपन अरेंज किया तो इन्होंने यही प्लैनिंग बनाई सी कि आप पैसे लैके तो कुछ चीज़ा खरीदनिया जिम्मे कार खरीदनी सी रें वो होर चीज़ा करनिया इन्हों सारा प्लैंड वे इनू एग्जीक्यूट किया। और उस टाइम देखिया कि उदो बैंक के बहुती आवाजाई भी नहीं सी तो टाइम पौने 2 बजन वाला टाइम थोड़ा जहा घट जाता कस्टमर भी। उस तो बाद इन्होंने कैश लुट के ते आपस डिस्ट्रीब्यूट भी कुछ किया ते कुछ इन्होंने पेमेंट्स भी कीतियां। फिरोजपुर एसएसपी सौम्या मिश्रा के दिशा निर्देशों पर नशों के खिलाफ चलाई गई मुहिम के तहत फिरोजपुर पुलिस ने एक नशा तस्कर को काबू करने में बड़ी सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसपीडी रणधीर कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर उक्त आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आरोपी की पहचान दलेर सिंह निवासी थाना लाखो बहराम के तौर पर हुई है, जिसके पास से 4 किलो फीम भी बरामद की गई है। उन्होंने बताया कि आरोपी पर मामला दर्ज कर पूछताछ की जा रही है कि वे ये अफीम कहां से लेकर आया था और आगे किन लोगों को सप्लाई करता था। फिरोजपुर से हलचल के लिए मनजीत सिंह की रिपोर्ट। कमर्शियल क्वांटिटी दी इंडिपीएस दी रिकवरी हुई, टोटल जड़ी हैगी 4 किलो अफीम दी रिकवरी हैगी। इस सिलसिले में जड़ा पर्चा हैगा 30/24 थाना कुलगड़ी में दर्ज किया गया है। जिहड़ा आरोपी हैगा दलेर सिंह पुत्तर मेजा सिंह ये थाना लखो विराम का रहने वाला हैगा ते हुण इहदा पुलिस रिमांड लैके पुछगिछ जारी है। ये कित्थों जिहड़ा हैगा अफीम लेके आउंदा सी ते किहनूं बेचण जांदा सी। नाल नाल जिवें कि मानयोग एसएसपी फिरोजपुर सौम्या मिश्रा जी वल्लों निर्देश हैगे कि एक अड फाइनैंशियल इन्वेस्टिगेशन यूनिट भी इहदी पड़ताल करूगी कि जे इन्हें नशा बेच के जेकर कोई भी प्रॉपर्टी बनाई होवे ओह प्रॉपर्टी नूं अटैच करन लई भी उपराले कीते जाणगे। अमृतसर पुलिस ने लूटपाट करने वाले 2 आरोपियों को काबू करने में सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए
पुलिस जांच अधिकारी हरप्रीत सिंह ने बताया कि गत दिनों किताबें सप्लाई करने वाली एक व्यक्ति से 4 लाख रुपयों की लूट की वारदात को मोटरसाइकिल सवार 3 नौजवानों द्वारा अंजाम दिया गया था, जिसकी सीसीटीवी वीडियो भी सामने आई थी, जिसके बाद थाना मोहकमपुरा की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस मामले में 2 आरोपियों को काबू करने में सफलता हासिल की है, जिनके पास से 1,30,000 की नकदी भी बरामद की है। उन्होंने बताया कि इस वारदात को कुल 4 लोगों ने अंजाम दिया था, जिनमें 2 को काबू कर लिया गया था जबकि 2 अभी फरार हैं। फिलहाल पकड़े गए आरोपियों पर मामला दर्ज कर आगे की पूछताछ की जा रही है ताकि इनके फरार साथियों को काबू किया जा सके। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। 2 व्यक्ति गिरफ्तार कर लिया, दोवां दे कोलों एक अमित मेन दोषी अमित कुमार पुत्र दलबीर सिंह वासी पुसानपुरा, इहदे कोलों 1,00,000 रुपया रिकवर किया गया। दूजा दोषी मनोज कुमार ये समंगा पुत्र सुभाष चंद्र ये 30,000 रुपया रिकवर किया गया। तो टोटल 1,30,000 रुपये की रिकवरी की गई। इन्होंने इंसाफ से 2 दोषियों को नामजद किया गया वा, जिन्हें एक मुंडा विशाल सानो जसपाल वासी हुसैनपुरा, दूजा दोषी गौतम सानो रजिंदर वासी पवन नगर किए गए। टोटल 4 दोषी ने फगवाड़ा के नजदीकी गांव नंगल माछा के गुरुद्वारा नानकसर साहिब के सरोवर में से संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला का शव मिलने का मामला सामने आया है, जिसकी सूचना मिलते ही फगवाड़ा पुलिस के उच्चाधिकारी मौके पर पहुंच गए। इस संबंध में जानकारी देते हुए DSP फगवाड़ा ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि फगवाड़ा के गाँव नंगल माछा के गुरुद्वारा नानकसर साहिब में सरोवर में किसी अज्ञात महिला की लाश पड़ी हुई है, जिसके बाद उन्होंने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आज वक्त करीब 3 बजे थाने सदर में इतलाह मिली कि किसी अणपछाती लेडी दी जिहड़ी है डेड बॉडी है वो गुरुद्वारा नानकसर साहिब जिहड़ा पिंड नंगल मज्जा उहदे च जिहड़ा इस्त्रियां दा इशनान घर हुंदा उहदे सरोवर दे विच मिली है। तुरंत कार्रवाई करदे आ जिहड़ा हैगा SP साहब भी मौके ते गए, मैं भी मौके ते गया। तो मृतक की पछाण जी हैगी बलविंदर कौर वाइफ ऑफ मक्खन सिंह उम्र करीब 60 साल वजो हुई है, जो नंगल मजे की रहने वाली है। मुढ़ले तौर पर जोड़ा है ये एक्सीडेंटल डैथ लगती है, तो बाकी जोड़ा है पोस्टमार्टम तो बाद जोड़ा है डेफिनेटिवली असं कह देंगे, तो बॉडी ने पोस्टमार्टम वास्ते भेज दिता ते अगली कार्रवाई जेड़ी है अमल विच लिया। नौसरबाज और लुटेरे आए दिन नए नए तरीकों से लोगों के साथ ठगी कर रहे हैं, जिसका ताज़ा मामला सामने आया है फगवाड़ा गुराया GT रोड गोल चौक में, जहां पर एक महिला ATM में से अपने पैसे निकालने गई तो उसके पीछे एक बुजुर्ग और एक नौजवान भी ATM में आ गया। इस दौरान नौजवान ने औरत का ATM पासवर्ड देख लिया, जैसे ही महिला ATM से पैसे उठाने लगी तो नौजवान ने पैसे नीचे फेंक दिए। जैसे ही महिला नीचे से पैसे उठाने लगी तो नौसरबाज ने उसका ATM कार्ड ही बदल दिया, जिसके कुछ देर बाद नौसरबाज की ओर से ATM में से महिला के खाते से 15,000 रुपयों की नकदी निकाल ली गई, जिसका मैसेज उसके पति के फोन पर आ गया। इस सारी घटना की सूचना PCR और थाना सिटी पुलिस को दे दी गई है। मौके पर पहुंची पुलिस की ओर से इलाके में लगे CCTV कैमरे खंगाले जा रहे हैं। पुलिस ने कहा कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मैं ATM कार्ड जो अंदर पड़ी है ते 2 बुजुर्ग जैसे मगर आया, उन्होंने मेरा कोड देख लिया, मैं पैसे चक्कर लगी था नीचे मेरे पैसे डेप है, मैं चक्कर लगी तो उन्होंने मेरा ATM कार्ड चेंज कर लिया, तो मगर उन्होंने पैसे कढ़ा लाए। फगवाड़ा के हदियाबाद इलाके में बेखौफ चोर गली में खड़ी एक्टिवा चोरी कर फरार हो गए। इस संबंध में जानकारी देते हुए एक्टिवा मालिक ने बताया कि उनकी भाभी एक्टिवा पर दुग्गल जठेरों के कार्यक्रम में आई हुई थी और उनकी भाभी ने एक्टिवा को गली में खड़ा कर दिया था। वह जब वह घर वापस जाने के लिए निकली तो देखा कि एक्टिवा गायब थी, जिसके बाद इसकी सूचना सतनामपुरा पुलिस स्टेशन को दी गई।
वहीं घटना की सूचना मिलते ही सतनामपुरा थाना की पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को चेक किया तो पता चला कि एक्टिवा चोरी की यह घटना सड़क पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी, जिसमें एक व्यक्ति एक्टिवा चोरी करते हुए दिखाई दे रहा है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। हरियाबाद एप्लीकेशन देना आया सी कि साढ़े उत्थे एक्टिवा चोरी हो गई है, तो जिस दे संबंध असी इत्थे हुण आए हाँ, इन्हां दे दुग्गल परिवार वालों उन्हां दा चलिया जठेरियां दा प्रोग्राम, उत्थे कोई 11:30 बजे इन्हां ने एक्टिवा लई सी, कोई चोर लै गया उत्थों चोरी करके। सर कोई सीसीटीवी कैमरे च आए बंदे? हाँ, सीसी कैमरे च आ गए, उहदा चेहरा आ गया। जालंधर के माई हीरा गेट में आ रही ट्रैफिक की समस्या को लेकर एडीसीपी ट्रैफिक अमनदीप कौर दुकानदारों से मिलने के लिए पहुंची, जहां दुकानदारों ने ई रिक्शा और बोर्ड लगे होने से आ रही समस्या को लेकर पुलिस को अवगत करवाया। इस दौरान एडीसीपी ने कहा कि दुकानदारों के पास ग्राहकों द्वारा वाहन गलत पार्किंग करने को लेकर आ रही ट्रैफिक की समस्या को पहले दुकानदारों द्वारा ठीक करवाया जाए। इस दौरान उन्होंने कहा कि किताबें लेकर आने के लिए सभी लोकल लोग ही दुकानों पर आते हैं और वह गलत पार्किंग कर देते हैं, जिसके चलते सड़क पर भारी जाम लग जाता है। वहीं उन्होंने ई रिक्शा और ऑटो की समस्या को लेकर कहा कि इसका समाधान जल्द कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पीसीआर की टीम को तैनात कर दिया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि ट्रैफिक की समस्या को लेकर दुकानदारों को पीसीआर के नंबर मुहैया करवा दिए जाएंगे, ताकि दुकानदार उनका साथ दें तो वे जल्द ट्रैफिक की समस्या से निजात दिलवा सकते हैं। एक्चुअली मैं एडीसीपी ट्रैफिक अमनदीप कौर, एसपी ट्रैफिक, ते मैं एक्चुअली मानजोग सीपी साहब दी हदायत, मतलब सीपी साहब बड़े दिनों तो साड़ी कंटिन्यू मीटिंग चल रही है, शहर की जिहड़ी ट्रैफिक आ, मतलब किसी भी तरह का जिहड़ा शहर के जाम ना लग सके उन्होंने लैके असी वख्खरियां वख्खरियां जिहड़ियां करीब असी मैनू हफ्ता हो गया, मैं और मेरे नाल साडे जोन चार्ज साडे एडमिन इंस्पैक्टर साहब सारे ही मीटिंग कर रहे हैं, एसीपी साढ़े ट्रैफिक को सारी मीटिंग कर रहे हैं, तां जो लोगों के नाल पहले मीटिंग की जान, तां जो जिवें मतलब कि किसी भी तरह का कोई जाम, जिवें दुकानों के बाहर इनफोर्समेंट, ईवन कि रेहड़ियाँ वाले जिहड़े हैगे आ, जिन्हें भी ट्रांसपोर्टर हैगे आ, जिहदे विच आउंदे तुहाडियां बसिस हो गई, प्राइवेट सरकारी हो गई, ऑटो हो गए, ऑटो यूनियन वालों के नाल मीटिंग होगी, इवें ट्रक यूनियन वालों के नाल मीटिंग होगी, जिन्नी भी मार्केट्स हुई सारे के नाल पैरेलल साड़ियां जिहड़ियां मीटिंग जिहड़ियां चल रही अज्ज, जिवें सवेर तो असीं लगे हुए सीगे सवेरे पहले फुटबॉल चौक से, जिन्हें भी उन्होंने मार्केट सी स्पोर्ट्स की उन्होंने सारे नाल मीटिंग की, पहले तो लोगों दी प्रॉब्लम्स नहीं है कि उन्होंने प्रॉब्लम्स की है, उन्होंने जे क्योंकि ये असं ये दसें कि ऑलरेडी साड़ियाँ जिहड़ियां मानजोग सिटी साहब के हुक्मां नाल साढ़े 26 जिहड़ियां ज़ेबरा गड्डियां जिहड़ियां पीसीआर दी गड्डियां वो चल रही। रंजीत अस्पताल जालंधर में 12 अप्रैल से 14 अप्रैल तक चौथे हाथ और बाजुओं का सर्जरी शिविर आयोजित करने जा रहा है, जो कि पिछले 3 शिविरों की सफलता के बाद आयोजित किया जा रहा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए प्रसिद्ध सर्जन डॉक्टर अभिजीत ने बताया कि इस शिविर का मुख्य उद्देश्य पंजाब ही नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश और हरियाणा जैसे पड़ोसी राज्यों से भी रोगियों को आकर्षित करना है। उन्होंने बताया कि इससे ये सुनिश्चित किया जाता है कि रोगियों को विशेषज्ञ देखभाल और सही उपचार प्राप्त हो। उन्होंने कहा कि इस शिविर में हाथ से संबंधित किसी भी उम्र के रोगियों, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, जो कि कोहनियों और हाथ की जांच भी करवा सकते हैं। डॉक्टर अजय सिंह चेस्ट फिजिशियन, बट मैं रंजीत हॉस्पिटल मैनेजिंग डायरेक्टर होने के नाते मैं सारे अपने पंजाब हरियाणा या आले दुआले स्टेट्स जिन्हें भी इन बीमारियों का जूझ रहे जो पेशेंट्स हैं उन्होंने अपील करना कि इस कैंप के वध नंबर के आकर इस कैंप का फायदा उठाओ, क्योंकि जिमें डॉक्टर सरनदीप सिंह ने दसिया कि डॉक्टर अभिजीत वाघगांवकर इज अ वंडरफुल सर्जन, इज वन ऑफ द टॉप सर्जन ऑफ द कंट्री, वो साढ़े वास्ते बड़े सौभाग्य है, साढ़े वास्ते बड़ी खुशकिस्मती है कि साढ़े को जलंधर से 84 बार आ रहे हैं और इदा के कैंप रेगूलरली साढ़े इंटरवल से चलते पे है, महीने डेढ़ महीने बाद इदा के पेशेंट्स ट्रीट कर रहे हैं। और मैं नाल ये भी दसना चाहूँगा कि साड़ा जरा रंजीत हॉस्पिटल है ये पंजाब का पहला हैंड सर्जरी सेंटर है, इस स्पैशलिटी जी है हैंड सर्जरी की जी लैकिंग सी साढ़े को नॉर्मली जे हड्डिया के हाथों के जे इदा दीमारियां जिन्हें सिर्फ हड्डिया के छोटे छोटे फ्रैक्चर जे कि
उन्हें सिर्फ प्लस्टर ला के साथ दिता जाता सी काम बस हूँ इन ऑपरेशन मैं देख रहा कि इन्होंने दूरबीन के राही रिस्ट आस्ट्रोस्कोपी जी पंजाब दे विच साडे कोल पहली बार रंजीत अस्पताल हुई सी पिछली बार और एक रेगुलर फीचर है दूरबीन के राही साडे हत्थां दे जिन्ने फ्रैक्चर बांह दे फ्रैक्चर जिहड़ियां हड्डियां नहीं भी जुड़ियां तो जिहड़े ऑपरेशन हो चुके है को ऑपरेशन फेल्ड ऑपरेशन है वह भी पेशेंट साडे कोल आन और उन्होंने असी टीम जी डॉक्टर सरनदीप और डॉक्टर अभिजीत वागवकर ये उन्होंने सक्सैसफुली ट्रीट करेंगे। सत श्री अकाल, मैं डॉक्टर तरनदीप सिंह रंजीत हॉस्पिटल जलंधर तो इस 12 to 14 April असी लैके आने वाले हाँ अपना हैंड सर्जरी कैंप जो कि चौथी बार किया जा रहा है। हथा दे पिछले 3 कैंप बहुत ही साढ़े सफल रहे हैं जिदे च पंजाब दे ही नहीं हरियाणा तो हिमाचल तो जम्मू कश्मीर तो इतों तक कि नेपाल तो भी साढ़े को काफ़ी गिनती दे विच पेशेंट जुड़े ने ते उन्हां दे जिंदगी दे विच सुधार लैके आने च असी सफल रहे हैं। इस वारी असी 4th time इन कैंप नू कंडक्ट कर रहे हैं। ऑलरेडी पेशेंट्स जिन्होंने असी सर्जरीज परफॉर्म करनिया ने उन्होंने सानू रजिस्टर कर दिता तो होर भी पेशेंट्स साडे नाल जुड़ते पए ने। इस कैंप दे विच साडे नाल डॉक्टर अभिजीत वागवकर जो कि इंडिया दे टॉप 3 हैंड सर्जनस चाहते ने वह भी साडे नाल कैंप दे विच आ रहे ने ते सर्जरी दी टीम दे वो लीडर होंगे। इस कैंप दे विच असी हाथ अते बांह दे नाल जुड़ी हर समस्या का इलाज करांगे चाहे वह हाथ की बांह की कमजोरी है कूनी दे विच गुट दे विच या उंगलों की कोई भी तकलीफ है कोई पुराना ऑपरेशन जो सैट नहीं बैठा कोई पुरानी सट जो अज भी तुहानू तंग कर रही है दूरबीन दे नाल गुट का इलाज उंगलों का इलाज किया जाएगा। कोई भी इहो जी चीज़ चाहे बच्चे नौजवान या बजुर्ग दे विच जो भी हाथ बांह की दिक्कत नाल अज भी जूझ रहा है साडे नाल इस कैंप च आके जुड़ सकता है इस कैंप का लाभ उठा सकता है। साड़ी ओपीडीज ऑलरेडी शुरू हो चुकी ने पेशेंट जिहड़े ने सानू हॉस्पिटल आके अपने आप नू चैक करवान ताकि उन्हां दी बीमारी नू असीं डिटेल एक बारी एग्जामिन करके फिर उन्हां नू ट्रीटमेंट प्लान सजेस्ट करिए। एक साड़ी हॉस्पिटल की वैबसाइट है उत्थे रजिस्टर कर सकते हैं तो साड़े जो हॉस्पिटल का कॉन्टैक्ट नंबर है उत्थे आके अपने आप नू रजिस्टर कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर 9814817738। 12 to 14 April भुलो ना तुसीं इस कैंप का लाभ लो। रंजीत हॉस्पिटल जो कि पटेल चौंक के मेन सिटी के सेंटर के लोकेटड है उत्थे एक कैंप होन जा रहा है 12 to 14 April। श्री बांके बिहारी मंडल श्री बड़ा मंदिर मोहल्ला नंबर 10 जालंधर छावनी की ओर से श्री खाटू श्याम जी महाराज का जागरण बड़ी ही श्रद्धा भाव से गगन पैलेस जालंधर छावनी में करवाया गया जिसमें प्रसिद्ध भजन मंडलियों हिमांशु एंड पार्टी जालंधर छावनी नरेश सैनी एंड पार्टी गुरुग्राम और शुभम शर्मा एंड पार्टी जालंधर छावनी वालों ने श्री खाटू श्याम जी महाराज जी की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस मौके पर श्री रामा मंदिर जालंधर छावनी के प्रधान हरविंदर सिंह पप्पू राहुल जिंदल मनु जिंदल अंकुर गोयल मोहित गर्ग बॉबी गोयल मुनीश अंजू शर्मा विनीता पूजा आकांक्षा रितिका दीपिका हेजल शिल्पी सहित असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर छावनी से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। पावन नवरात्रि आज श्रद्धा एवं धूमधाम के साथ आरंभ हुई। नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री जी की भक्तों ने पूजा अर्चना की।
तो वहीं उत्तर भारत के प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर सहित महानगर के अन्य मंदिरों में भक्तों ने माता के समक्ष पावन ज्योति जलाते हुए पूजा अर्चना की व परिवार और समाज की सुख शांति की मंगल कामना की। इस दौरान भक्तों ने मां को प्रसाद अर्पित किया। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित रवि शास्त्री व पंडित आदित्य ने बताया कि मां के पावन नवरात्रों में पूजा अर्चना करने से पूरे वर्ष की गई पूजा अर्चना का फल मिलता है। वहीं उन्होंने कहा कि नवरात्रों में व्रत रखने से सभी कष्ट दूर होते हैं। इस दौरान मां के पावन दरबार में कई भक्तों की ओर से झंडे भी चढ़ाए गए। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आप सभी भक्तजनों को वसंत चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से वसंत चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ हो चुका है। आज से हम सभी भक्तजन, जैसे कि शास्त्र सम्मत है कि हर वर्ष हम चार नवरात्रियों का, चार बार माँ भगवती का हम चार नवरात्रि में पूजन अर्चन करते हैं। इसमें से हमारा चैत्र वसंत नवरात्र का प्रारंभ हो रहा है और हिंदू सनातन धर्म के अंतर्गत जो यह नवरात्रि है, यह नवरात्रि हमारे सनातन धर्म के अनुयायियों के लिए नूतन वर्ष का प्रारंभ करने वाला है। अर्थात इसी दिन, अर्थात 9 अप्रैल 2024 दिन मंगलवार को हमारा नूतन वर्ष, नया वर्ष का प्रारंभ हो रहा है और हम सभी भक्तजन माँ भगवती रामबा राज राजेश्वरी का 9 दिवस तक 9 रूपों में पूजन करते हैं। माँ बंगलामुखी धाम गुलमोहर सिटी लम्बापिंड चौक होशियारपुर रोड जालंधर में नवरात्रों के पहले दिन माँ शैलपुत्री की विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर धाम के संस्थापक एवं संचालक नवजीत भारद्वाज ने आए हुए सभी यजमानों से विधिवत पूजा अर्चना कर हवन यज्ञ में आहुतियां डलवाई। इस मौके पर उन्होंने बताया कि मां के पावन नवरात्रों के शुभ अवसर पर मां बंगलामुखी धाम गुलमोहर सिटी में 9 दिन तक मां के अलग अलग 9 स्वरूपों की प्रतिदिन विधिवत पूजा अर्चना की जाएगी, जिसके चलते पहले नवरात्रि के अवसर पर मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की गई है। इस अवसर पर श्रीकंठ जज राकेश प्रभाकर, समीर कपूर, एडवोकेट राजकुमार, सरोज बाला, दिशांत शर्मा, सुभाष डोगरा, विक्की, निर्मल सिंह, सौरभ अरोड़ा, जगदीश वर्मा भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। आज पहले नवरात्रे, जिस तरह कि असी हर साल जेडे 2 नवरात्रे आते हैं चैत्र दे और उस तो बाद आले, आज चैत्र दे पहले नवरात्रे ते माता शैलपुत्री जी दे निमित्त हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। 9 दिन महामाई जी दे निमित्त हवन यज्ञ चलणगे और जिस तरह कल अज प्रथम शैलपुत्री, कल द्वितीय ब्रह्मचारिणी जी के निमित्त हवन यज्ञ होएगा। सवेरे 6:30 to 7:30 हवन यज्ञ है। कोई भी माँ भगत आगे सम्मिलित हो सकता, महामाई के निमित्त आहुतियाँ डाल सकता। इस दे नाल नाल मैं दसना चाहना कि हर वीरवार को भी महामाई बगलामुखी जी के निमित्त जिहड़ा निःशुल्क हवन यज्ञ का आयोजन किया जाता है, उस भी बढ़ चढ़ के जिहड़ी संगत आती है। साड़ी यही करवत प्रार्थना है कि पहुँचो महामाई के दरबार से, हवन यज्ञ आहुतियां डालो। इस दे नाल नाल अज मैं विक्रमी संवत दे जिहड़ा नव संवत्सर है अपना, उहदे उपलक्ष सारियां नूं हार्दिक शुभकामनावां दिंदा है और भगवती अगे यही अरदास बेनती करदा कि माँ सारे पासे आप जी का आशीर्वाद होवे और आप जी के नाम का संचार होवे और इदां ही तुहाडे भगत तुहाडे दरबार ते आ के नतमस्तक होण ते अपनियां झोलियां खुशियां नाल भर के लैके जाण। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर के पावन प्रांगण से श्री राम नवमी के उपलक्ष्य में 16 अप्रैल दिन मंगलवार को सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर से दोपहर 2 बजे निकाली जा रही भव्य शोभा यात्रा के संबंध में जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत संपर्क अभियान टीम के अश्विनी शर्मा, रमन शर्मा, सौरभ शर्मा और मनीष शर्मा ने श्री गीता मंदिर सेंट्रल टाउन के पंडित संदीप शर्मा, अरुण लांबा,
पंडित अमित शर्मा एवं पंडित संतोष शर्मा, श्री इच्छापूर्ण बालाजी सेवा समिति अड्डा होशियारपुर रोड के भक्त अजयपुरी महाराज, प्राचीन त्रिवेणी मंदिर टांडा रोड के भगवान दास शर्मा, रामकुमार चौधरी, मुनीश मेहता, अशोक शर्मा, राजेश कुमार, देवेंद्र कुमार, नरेंद्र शर्मा, पंडित रंगलाल जोशी एवं पंडित जगजीवन तिवारी, श्री कैलाश आश्रम टांडा रोड के चमनलाल शर्मा, पंडित संजय तिवारी, पंडित राजीव तिवारी, पंडित सत्येंद्र तिवारी, रवि कपूर, वैभव कपूर एवं अविनाश बंबारी, श्री सत्यनारायण मंदिर टांडा रोड के पंडित अशोक कुमार, किरण बाला, चंद्रो देवी एवं कमला गौतम से संपर्क साधकर उन्हें प्रचार सामग्री भेंट कर असंख्य भक्तों व सुंदर झांकियों सहित इस शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए निमंत्रण पत्र प्रदान किए। इस दौरान सभी मंदिर प्रबंधक कमेटियों के पदाधिकारियों व सदस्यों ने संपर्क अभियान की टीम को ये विश्वास दिलाया कि वे असंख्य भक्तों व सुंदर झांकियों सहित इस शोभा यात्रा में भाग लेकर प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगी। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन संदीप शर्मा की रिपोर्ट। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितमाम भागम पाणौ महासाय चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। हम लोग सेंट्रल टाउन निवासी 16 अप्रैल दिन मंगलवार को बड़े श्रद्धा से भाग लेकर जो है शोभा यात्रा निकालेंगे, आप लोगों के साथ हैं। पूरे श्री रामचंद्र महाराज की सिद्ध शक्ति पीठ देवी तला मंदिर तो 16 तरीक न रामनवमी शोभा यात्रा के पक्ष में जी शोभा यात्रा निकल रही है। मैं पहले सारे देशवासियों लख लख बधाई देवगा कि उस यात्रा के पहुँच के तुम अयोध्या का नज़ारा इतने लवो जेडे अयोध्या नहीं जा सकते। फिर मैं अपने व्डे वीर शीतल बेद जी, रजेश बेद जी, उन्हों का धन्यवाद करदा जिन्होंने संत समाज के नाल रल के हिंदू समाज में सारे मंदिरों एक माला दे विच परोया है। वो माला दिनों दिन वड्डी हो रही है। मैं उन्हों का बड़ा धन्यवाद करता हाँ, क्यों वो अपने पत्रकार हर मंदिर दे विच भेज के संपर्क बयान करके दुनिया नू जागृत करते हैं। तो असी प्राचीन त्रिवेणी मंदिर वालों साडे वड्डे वीर जी राम कुमार जी साडे नाल खड़े ने, असी एक विशाल मंच ला के ते लंगर लगावांगे ते शोभा यात्रा का स्वागत करांगे। जय श्री राम, जय श्री राम। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी त्रिपुरमाली माता जी के द्वारा रामनवमी के उत्सव में सारे लोग बढ़ चढ़ के भाग लें। सबसे यही प्रार्थना है, सभी लोग माता रानी का आशीर्वाद प्रदान करें। देवी तला मंदिर से शोभा यात्रा निकलेगी, बढ़ चढ़ करके सबने उनका स्वागत करना। जालंधर नगर निगम के सुप्रीडेंट राजीव ऋषि की धर्मपत्नी नीलम ऋषि का गत दिवस आकस्मिक निधन हो गया है। उनका अंतिम संस्कार धार्मिक रीति रिवाजों के साथ जालंधर के हरनामदासपुरा स्थित शमशान घाट में किया गया। इस मौके पर पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी, पूर्व सीपीएस केडी भंडारी, चेयरमैन चंदन गरेवाल सहित पारिवारिक सदस्यों में पति राजीव ऋषि, विशंबरनाथ, विजय कुमारी, अनीता कुमारी, ईशिका ऋषि सहित राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक तथा नगर निगम जालंधर के सभी अधिकारी व कर्मचारियों ने नम आंखों से स्वर्गीय नीलम ऋषि को अंतिम विदाई दी। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। अमृतसर पुलिस ने आईसीआई बैंक में हुई लूट के मामले में 3 युवकों को किया गिरफ्तार। फिरोजपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक नशा तस्कर को किया काबू, 4 किलो अफीम की बरामद। अमृतसर के थाना मोहकमपुरा की पुलिस ने लूटपाट करने वाले 2 आरोपियों को किया काबू, 1,30,000 रुपयों की नकदी की बरामद।
इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।